डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर हम जो है एक्टिविटी नंबर फोर जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक्टिविटी नंबर फोर इंग्लिश लैंग्वेज की एक्टिविटी है क्लास 8 तक की। ये एक्टिविटी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें एक्चुअली बताने की कोशिश की गई है कि कोई भी वर्ड जो होता है उसका जो प्रोनंसिएशन होता है, प्रोनंसिएशन जिसे हम कहते हैं तलफ्फुज, यानी उस लफ्ज को कैसे बोला जाए, कैसे पढ़ा जाए, तो उसके मुतालिक ये एक्टिविटी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। लेट्स सी, फर्स्ट सेंटेंस आप यहाँ पर देखते हैं, चिंटू इज वॉचिंग होर्डिंग्स, वर्ड दिया हुआ है, चिंटू इज वॉचिंग होर्डिंग्स। यहाँ पर जो वर्ड है होर्डिंग्स, इसको किस तरह से पढ़ा जा रहा है ये आप समझिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही लिव्स इन रूरल एरिया, रूरल एरिया, इस तरीके से हम इसको पढ़ रहे हैं। तो जो अंडरलाइन वर्ड है इस पर आप ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट सेंटेंस ये है, मृदंगम प्रोड्यूसेस मेलोडियस साउंड। यहां पर जो दो वर्ड अंडरलाइन है उस पर आप ध्यान दीजिए, इसको कैसे पढ़ा जा रहा है, मृदंगम प्रोड्यूसेस मेलोडियस साउंड। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, फोटोग्राफी वॉज हिज हॉबी, फोटोग्राफी वॉज हिज हॉबी। नेक्स्ट सेंटेंस इज, एक्सप्लिसिट मीन्स डायरेक्ट और क्लियरली एक्सप्रेस्ड, एक्सप्लिसिट मीन्स डायरेक्ट और क्लियरली एक्सप्रेस्ड। तो अंडरलाइन वर्ड्स जो है, जैसे उसके मीनिंग भी आपको मैं बताता चलूं कि चिंटू इज वॉचिंग होर्डिंग्स, चिंटू जो होर्डिंग्स देख रहा है, होर्डिंग जो मुख्तलिफ किस्म के बोर्ड्स जो लगाए जाते हैं, इंफॉर्मेटिव बोर्ड होते हैं, एडवर्टाइजमेंट के होते हैं, उसे होर्डिंग्स कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज, ही लिव्स इन रूरल एरियाज, रूरल यानी जो देहाती इलाके हैं उसे रूरल एरियाज कहते हैं, तो वो रूरल एरियाज में रहता है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, मृदंगम प्रोड्यूसेस अ मेलोडियस साउंड, मृदंगम जो है वो एक खूबसूरत साउंड पैदा करता है, आवाज पैदा करता है। मृदंगम क्या है, अ टाइप ऑफ ड्रम होता है। फोटोग्राफी वॉज हिज हॉबी, फोटोग्राफी उसकी हॉबी थी। एंड एक्सप्लिसिट मीन्स डायरेक्ट और क्लियरली एक्सप्रेस, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है वाजे, साफ, यानी किसी चीज को जो वाजे तौर पर बयान करना। तो इस तरीके से सेंटेंसेस है। अब यहां पर जो एक्टिविटी, उसमें यही बताने की कोशिश की कि उसमें कुछ जो है ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे लिए फैमिलियर होते हैं या अनफैमिलियर भी हो सकते हैं, है ना, जिसको हम जो वर्ड हम बार बार सुनते हैं या जो हम पहली बार सुन रहे हैं, ये हम कह सकते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स, विच मीन्स विच आर रीड टू डिफिकल्ट, जो हमारे लिए पढ़ना मुश्किल होते हैं। तो ऐसे कुछ वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए, अब देखिए यहाँ पर वर्ड है, दे आर ऑफन, सेंटेंस दिया हुआ है, दे आर ऑफन लेट। अब दो चीजें आप यहाँ पर याद रखिए, जब ये इस सेंटेंस को हम पढ़ रहे हैं तो उसमें एक वर्ड आया है ऑफन, OFTEN, लेकिन टी यहाँ पर साइलेंस रह रहा है। तो इस सेंटेंस को हम पढ़ रहे हैं, दे आर ऑफन लेट। अब दूसरी चीज आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि उसमें एक अलग सेंटेंस है, जो दूसरा एक सेंटेंस है दिया हुआ है, जिसमें स्टूडेंट्स विल आस्क करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, यानी यहाँ पर जो है आपको कहा जाएगा कि जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो आपको फाइंड आउट करना है। जैसे एक सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, स्टूडेंट्स विल नोट डाउन द डिफिकल्ट। अब देखिए इसमें एक अलग सेंटेंस है दिया हुआ है, अब देखिए यहां पर वर्ड है लेट, है ना, लेट, हम इसको पढ़ते हैं लेट, दरअसल क्या है लेट, इस तरीके से इसको प्रोनाउंस करेंगे। अब एक अदर वर्ड है फेब्रुवरी, कैसे पढ़ते हैं फेब्रुवरी, तो इस तरीके से उसको पढ़ा जाता है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पर दिए हुए जो जो हमें बताते हैं कि उन वर्ड्स में कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो साइलेंस होते हैं, यानी जिनको पढ़ा नहीं जाता है ना। जैसे यहाँ पर जो वर्ड दिया है ऑफन, इसमें टी जो है वो साइलेंस से रह रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे हम कहते हैं लिसन, लिसन में भी टी जो है वो साइलेंस होता है, उसको नहीं पढ़ा जाता है। अदर वर्ड है काम, CALM, जिसमें एल वर्ड जो है वो साइलेंस से होता है। ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें कुछ जो लेटर्स होते हैं वो साइलेंस होते हैं, जिसे नहीं पढ़ा जाता है। तो ये चीजें जो है आपको याद रखनी है। तो आपको यहाँ पर इस एक्टिविटी में करेक्ट प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से वर्ड्स किया जाता है
वो यहाँ पर बताया गया है। आप डिक्शनरी जो यूज करते हैं तो उसमें भी इस तरीके से एक्टिविटीज जो यहाँ पर दी हुई उसकी बुनियाद पर आप डिफरेंट वर्ड्स जो है वो देख सकते हैं कि कुछ उसका जो प्रोनाउंसिएशन दिया होता है किस तरीके से होता है। तो प्रोनाउंसिएशन हमको समझना भी बहुत जरूरी होता है किस किस वर्ड को कैसे रीड किया जाए। तो इस ताल्लुक से और दूसरी भी जो एक्टिविटीज दी हुई है दीक्षा ऐप में वो आप देख कर जो उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम जो दूसरी एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 5 वो समझने की कोशिश करेंगे। टिल देन गुड बाय।